सोलन में स्थित अपने फ्लैट में दिल्ली के नोएडा रेड जोन से आए चिकित्सक के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चिकित्सक को संस्थागत एकांतवास में रखा गया था, लेकिन अगले ही दिन वो वहां से अपने अस्पताल पहुंच गया। नियम तोड़ने पर चिकित्सक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोलन के समीप निजी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज महर्षि मार्कंडेय में बतौर चिकित्सक संजोग नारायण तिवारी 22 मई को सोलन के देवघाट स्थित अपने फ्लैट में नोएडा से आकर पहुंचे, जिसकी सूचना पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा दी गई। पुलिस ने उन्हें राधा स्वामी संस्थागत एकांतवास में रखा है, लेकिन अगले ही दिन वे वहां से अपने अस्पताल पहुंच गए। संस्थागत क्वारंटीन के नियम को दरकिनार करते हुए चिकित्सक सोमवार को सोलन के सपरून चौक पर नशे में धुत अपनी कार में पुलिस को मिले, जहां उन्होंने अच्छा खासा हंगामा किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है और जाँच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि नियम तोड़ने पर चिकित्सक को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सोलन के एक निजी होटल के कमरे में उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। 22 मई को हमें सूचना मिली थी कि कोई एमएमयू में जो है चिकित्सक हैं, जिनका नाम संजोग नारायण तिवारी है और ये नोएडा से यहाँ पे अपना इनका फ्लैट है देवघाट में, वहां पे ये बिना परमिशन के आए हैं। इस पे जब जांच की गई तो पाया गया कि ये रेड एरिया से आए हैं, क्योंकि नोएडा जो है रेड जोन है और बिना परमिशन के आए हैं। इनके पास कोई भी किसी भी तरह का कोई पास वगैरह नहीं था, क्योंकि ये गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि जो भी रेड जोन से व्यक्ति आएगा उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। तो इनको इमीडिएटली जो है, जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी है राधा स्वामी सत्संग में, वहां इनको शिफ्ट किया गया था। अगले दिन मंडे को ये एमएमयू चले गए वहां से, क्योंकि इस प्रटेक्स्ट पे कि मैं डॉक्टर हूं और हमारे लिए अरेंजमेंट वहीं पे है, क्योंकि डॉक्टर्स ये जो हॉस्पिटल्स हैं उनको डायरेक्शन है कि ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है अपने स्टाफ के लिए अलग जो है व्यवस्था उसकी करेंगे। लेकिन शाम को पिछले कल लगभग 2 बजे के आसपास ये वहां से गाड़ी लेके जो है दोबारा यहां सपरून चौक पे आ गए और काफी ड्रंकन कंडीशन में थे और उन्होंने काफी यहां पे रकस क्रिएट किया, तो इनको जो है डिटेन कर लिया गया उसी टाइम तुरंत। 188-269 आईपीसी के तहत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, इनको मुकदमा में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है यहाँ पे प्राइवेट होटल में इनको शिफ्ट किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है केस में चल रही है। सरकार जो है, जो भी व्यक्ति बाहर फंसे हैं हिमाचल से, उनको लाने के लिए पूरे तरह से प्रयासरत है और इसमें काफी लोगों को लाया भी जा चुका है। लेकिन मेरी इन लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग एक तो प्रॉपर पास लेके आए, और अगर आप रेड जोन से आते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ेगा, अगर आप ऑरेंज या ग्रीन जोन से आते हैं तो आपको होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। आप जो भी ये दिशा निर्देश हैं सरकार के और प्रशासन के, इनको जो है ऑनेस्टली फॉलो करें ताकि आप भी सेफ रह सकें और बाकी जो यहाँ सोसाइटी में जो और लोग हैं उनको भी, उनकी सेफ्टी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।